गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 1 चैप्टर 1 का एक्टिविटी 1.12। एक्टिविटी 1.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्टिकल्स बहुत मैटर के बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कोई भी मैटर, जैसे ये बना है, मतलब ये मैटर है हमारा एक, तो एक ये इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब पार्टिकल्स होंगे तो हमने जान लिया कि छोटे छोटे, पर कितने छोटे हो सकते हैं ये हम बताएंगे। एक्टिविटी में टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देन 100 ml ऑफ वाटर। हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसको पानी में डालने से पिंक कलर हो जाता है। ये देखिए, हमने 100 ml वाटर लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट हमने कितना डाला है, थोड़ी 2 or 3 क्रिस्टल। जैसे क्रिस्टल होते हैं, नाने होते हैं, उसको 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया। देखिए, अब इस डिजोल्व वाटर से 1 स्पून, ये 10 ml टेस्ट ट्यूब में इसका 10 ml लिया और 100 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया, इसको डाल दिया। ठीक, जैसे ये हमने 100 ml वाटर लिया, इसमें हमने 2-3 क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, अब ये इसमें डिजोल्व कर दिया। अब इसका हमने एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml ले लिया, इसमें क्या है, वाटर प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, और फिर एक बीकर लिया, उसमें फिर 100 ml वाटर लिया। अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 100 ml वाटर है। इस टेस्ट ट्यूब को इसमें मिक्स कर दिया, फिर इस टेस्ट ट्यूब का पानी फिर 100 ml लिया, इस बीकर का टेस्ट ट्यूब में 10 ml, इसमें फिर कितना लिया, 10 ml, फिर एक और बीकर लिया, उसमें 100 ml लिया और इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डिजॉल्व कर दिया। मतलब इस बीकर में 100 ml प्लस 2-3 क्रिस्टल थे पोटेशियम परमैंगनेट का, और ये वाला वाटर हमने 100 ml में मिला दिया, फिर ये वाला वाटर एक और 100 ml में मिला दिया। तो देखिए, इसका कंसंट्रेशन कम होता गया ना, पानी का कंसंट्रेशन, सॉरी पानी और पोटेशियम परमैंगनेट जितना, देखिए अभी इसमें देखिए, ये दिखा रहा है, यहाँ पर जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो देखिए कितना डार्क कलर था। अब इसका ही हमने 10 ml लिया, 100 ml में मिक्स कर दिया, तो देखिए डार्क कलर कम हो गया। उसके बाद फिर इसका 10 ml लिया और इसमें डाल दिया तो और कम हो गया। इस तरह से ये कम होता गया है। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर अमाउंट 1000 liter। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 crystal ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन द डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles। इसमें बता रहा है सिर्फ हमने यहाँ पर कितने क्रिस्टल डाले थे, 2 या 3, इसने इसको भी पिंक कर दिया, इसको भी, तो 100, 100, 200, 300, 400, मतलब 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल 1000 ml वाटर को भी पिंक कर दिए। ठीक, तो मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को के 2-3 क्रिस्टल ही काफी थे 1000 ml पानी को पिंक करने के लिए। तो उसमें ये बता रहा है कि वही एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को में थोड़ा सा हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला और वो पिंक हो गया। ये हमको क्या कंक्लूजन क्या निकलता है कि वी कंक्लूड दैट मिलियन ऑफ टाइनी, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे जो कि वाटर को पिंक कर दिए। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल में ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे जिनको जब हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो पिंक कलर दे दिए। तो इसलिए हम बता इससे प्रूफ होता है जो मैटर होता है या पोटेशियम परमैंगनेट हमारा मैटर था वो मिलियन ऑफ पार्टिकल से मिलके बना था। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल।
अब सेम जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, इसकी जगह हम डेटॉल डाल के भी देख सकते हैं। तो डेटॉल जब हम पानी में डालेंगे तो कलर चेंज हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। ठीक, तो इसको तो हम देखते रहेंगे कि एक बाल्टी पानी में आप एक ढक्कन डेटॉल भी डालिएगा तो देखिए उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इससे प्रूफ होता है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स है, बहुत स्मॉल होते, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे, हम सोचेंगे कि इतने से हैं, ठीक है, अरे लेकिन वो इससे भी छोटे होते, मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर पार्टिकल्स की कैरेक्टर क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के भी देखिए, हमने जब हमने क्या किया था, पानी में शुगर डिजॉल्व की थी, हमने देखा था शुगर कहाँ चली गई थी, इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, शुगर यहाँ चली गई थी। तो ये क्या बोल रहा है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन, बीच बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दो पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड एक्टिविटी 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ द शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर। वाटर में पूरी इवनली, पूरी एक तरह से इवन, एक जैसे पूरा मिक्स हो जाते हैं। व्हेन वी मेक टी, कॉफी और द लेमनेड, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ द वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शो दैट दिस इज द इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स में डिजोल्व हो जाता है, जैसे पानी में नींबू का रस डिजोल्व हो गया, पानी में शुगर डिजोल्व हो गई, पानी में सॉल्ट डिजोल्व हो गया, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था जिसमें ये पार्टिकल्स जाके डिजोल्व हो गए। एक टाइप ऑफ पार्टिकल में वाटर एक टाइप का पार्टिकल्स था, शुगर दूसरे टाइप के पार्टिकल्स थे, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए, डिसॉल्व हो गए। फिर ये फर्स्ट कैरेक्टर था। तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर क्या हुआ, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअस मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। ठीक, एक्टिविटी करेंगे हम, पुट एन अंटिल इंटेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ एवर क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट द इट्स स्मेल, नाउ लाइट द इंटेंस स्टिक, वॉट हैपन, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग इन अ डिस्टेंस। हम एक स्टिक लेंगे अगरबत्ती की, ठीक है, अगरबत्ती की लिए और क्या किया, उसको क्लास में एक जगह रख दिया, उसके बाद क्या हमको उसकी स्मेल आ रही थी, नहीं, फिर हमने क्या किया, अगरबत्ती को जला दिया, ठीक है, उस इंटेंस स्टिक को क्या जला दिया, इंसेंस स्टिक को क्या किया, जला दिया जो स्मेल दे। तो क्या जब हमने अगरबत्ती को जलाया, कॉर्नर में रख दिया, तो इसकी स्मेल हमारे तक पहुंच रही थी, भले हम डिस्टेंस में बैठे हुए थे। कमरे में आप अगरबत्ती कहीं भी रख दो, इंसेंस स्टिक कहीं भी रख दो, लेकिन स्मेल उसकी पहुंच ही जाती हमारे तक। तो वो स्मेल कैसे पहुंचती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं, टू ग्लासेस या बीकर फिल्ड विद वाटर, दो ग्लास या बीकर लेंगे, उनको वाटर से फिल कर देंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, और उनमें क्या करेंगे, ब्लू या रेड कलर की इंक डाल देंगे। तो हम देखेंगे पूरे बीकर का कलर क्या हो गया, ब्लू और रेड। तो भैया हमने डाली तो ऊपर थी, तो पूरे बीकर के कलर कैसे रेड या ब्लू हो गया, अभी हम इसको भी देखेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है पानी में डालने पर, और पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालते तो पिंक कलर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे,
कुछ क्रिस्टल या तो पोटेशियम परमैंगनेट के या कॉपर सल्फेट के लेंगे और उनको पानी में डिजोल्व कर देंगे वाटर में। अब हम देखते हैं क्या होता है कि हमने डाले तो क्रिस्टल ऊपर थे तो पूरा वाटर, या फिर वो नीचे जाके हो गए क्रिस्टल तो पूरा वाटर ब्लू या पिंक कैसे हो गया, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज वेरी प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। देखिए, ये हमारे वाटर था, हमने इसमें क्या मिला दिया, रेड कलर की इंक, ये इंक के पार्टिकल्स थे। तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे, दोनों के, वाटर के भी और इंक के। जब ये मूव करते हैं तो इंक क्या हो रही है, वाटर में पूरी तरह से इवनली मिक्स हो गई। तो वाटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, अब कैसे मूव करते हैं ये हम देख रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है स्टैटिक एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। जो मूव होने से एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये मूव हो रहे हैं मतलब इनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव करने से जो एनर्जी पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और किसी की पोजीशन से, जैसे वो यहाँ खड़ा है, उसकी पोजीशन से जो एनर्जी होती है वो स्टैटिक एनर्जी होती है। तो मूविंग एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी के मूव करने से जो एनर्जी हो। तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनसे एनर्जी निकलती है। दैट अब ये एनर्जी दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी एट द टेम्परेचर राइज। ये एनर्जी क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी। जैसे ही पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब एनर्जी कहीं तो यूज होगी और वो एनर्जी क्या करेगी, टेम्परेचर को राइज कर देगी। पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए, अगर हमने पानी और शक्कर को मिक्स किया नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो मिक्स हो गए, अब हम क्या करें, मान लीजिए कुछ शक्कर जो बहुत ज्यादा शक्कर डाल दी और मिक्स नहीं हो रही है, तो हम क्या करें, पानी को गर्म कर दे, टेम्परेचर बढ़ा दे। जब हमने पानी को गर्म करना शुरू किया तो जो नहीं घुली थी पहले, डिजॉल्व हुई थी शक्कर, वो भी घुलने लगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया तो ये जो पार्टिकल्स थे और तेजी से मूव करने लगे। ठीक, जितनी जल्दी से मूव करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, दूसरा पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व होगा। तो जब हमने टेम्परेचर राइज किया, हमने उसको गर्म किया, तो क्या हो गया, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगे। तो जितनी तेजी से मूव करेंगे उतना ही ज्यादा डिजॉल्व उसमें कोई भी मटेरियल होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, राइज हो गई। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करने वाली एनर्जी। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वो और तेजी से मूव करने लगे और काइनेटिक एनर्जी राइज हो गई, बढ़ गई। तो इस एक्टिविटी से हम प्रूव कर सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब दो टाइप के पार्टिकल, जैसे एक क्या था, वाटर था, और उसमें हमने क्या मिलाई थी, रेड या ब्लू इंक या कॉपर सल्फेट मिला दिया या पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, कुछ भी दो टाइप के पार्टिकल्स को जब इंटरमिक्सिंग करते हैं, हम मिक्स करते हैं, तो क्या हुआ, वाटर के बीच में जो जो स्पेस था उसके बीच में रेड इंक या ब्लू इंक जाके क्या हो गई, मिक्स हो गई। और इस इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स की मिक्सिंग होने को डिफ्यूजन। तो दो टाइप के पार्टिकल्स, दो टाइप के मैटर हैं और उनके पार्टिकल्स हैं, वो आपस में मिक्स होने किस प्रोसेस से मिक्स होते हैं, डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, हीट करने से डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग क्या होगी, बढ़ेगी सीधे। तो डिफ्यूजन क्या हो गया, सीधा सीधा क्या हो गया हमारा, ये देखिए, डिफ्यूजन मीन्स हो गया, ये हमारा वाटर है, इसमें इंक के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। इस मिक्सिंग को क्या कहेंगे, मिक्स होने की प्रोसेस को डिफ्यूजन। और अगर इसका टेम्परेचर राइज कर दिए तो मिक्सिंग बढ़ जाएगी ना, ज्यादा मिक्स होंगे तो मिक्सिंग बढ़ जाएगी, मतलब डिफ्यूजन की रेट
इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर राइज करने से डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग अप टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए तो ये बंधे रहते हैं। तो इनमें एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए वाटर में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो तो क्या होगा, ये इतनी दूर बिना उसके भागते रहे तो कभी भी एक हमको स्टेबल तो कोई भी चीज़ नहीं मिले। ये हमारी पेंसिल है, इसके पार्टिकल्स भागेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं रहेंगे, तो एक पार्टिकल्स यहाँ तो दूसरा पार्टिकल्स कहीं और नजर आएगा, तो पेंसिल बन ही नहीं सकती है। वाटर एक साथ रह ही नहीं सकता, एक पार्टिकल्स वहाँ एक पार्टिकल्स वहाँ, तो ठीक है। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को पार्टिकल्स क्या किए रहते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं, एक दूसरे को जोड़े हुए रखते हैं। इसी कारण तो थर्ड कैरेक्टर हमारा क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अटैच करके रखते हैं। जैसे ये देखो बीहू डांस में नहीं, ये देखो वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो ऐसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे को ऐसे ही अटैच करके रखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक्टिविटी है इसमें कि हम क्या करें, एक आयरन की नेल लें, कील, चौक लें और रबर बैंड लें। अब सबको हैमर कर दें, हैमरिंग कर दें, हैमर मतलब हथौड़े से तोड़ें आयरन नेल को, चौक को और रबर बैंड को, ठीक है। इसके पार्टिकल्स जल्दी टूट जाएंगे, चौक के पार्टिकल्स जल्दी टूट जाएंगे, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम है। उसके बाद फिर कौन टूटेगा, आयरन की नेल और फिर रबर बैंड, ठीक। अगर हैमर करेंगे और खींचेंगे तो रबर बैंड पहले टूट जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी पार्टिकल्स में ज़्यादा होता है किसी मैटर के पार्टिकल्स में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी मैटर के पार्टिकल्स में कम होता है। इसीलिए कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, कुछ बहुत हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है। हार्ड होगी जिसमें फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, वो चीज़ हार्ड होगी। जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो मैटर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। जैसे कुछ वाटर लेंगे कंटेनर में एंड कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, फिंगर से हम सर्फेस को ऐसे ऐसे कट करने की कोशिश करेंगे वाटर की। वेयर यू एबल टू कट, क्या आप वाटर की सर्फेस को कट पर कर पाएंगे, सर्फेस को हम अलग अलग कर पाएंगे ऐसे ऐसे। तो वॉट कुड बी रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ द वाटर रिमेनिंग टूगेदर, हम जितनी बार भी उसको कट करेंगे पानी को वापस क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है सर्फेस। कितना भी पानी को काटिए ऐसे ऐसे हाथ से चाकू से किसी से भी काटिए, फिर वह जुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये देखिए द एवर थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इनको कितना भी ऐसे से हाथ से करें तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं होता, फिर से वो अटैच हो जाते हैं। तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से जुड़ जाते हैं। द फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको आपस में जोड़ के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द दीज फोर्स अट्रैक्शन, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है और किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है।